बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। हमारी सुबह हो गई है, उठे हैं अभी अभी और फ्रेश अप हुए हैं, और कुछ मेरे भाई अभी भी बैठे हुए हैं अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग गाइस, यू ओके, यू ऑलराइट? हेलो हेलो, वाओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। कैसी रही जी आपकी नाइट? बहुत अच्छी गुजरी है। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल काफी शोर था, काफी ज्यादा तूफान था, बारिश भी थी। नहीं, हम तो सो गए थे, हमें महसूस नहीं किया। बजे थे तो हमने देखा कि सख्त किस्म की बारिश शुरू हुई है। बारिश के बाद फिर आपको पता है कि तूफान, और तूफान भी ऐसा वैसा कि मैं आपको क्या बताऊं। यकीन करें कि डरा दिया रात को तूफान ने। लेकिन एनीवे, अगेन दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। आज का जो मौसम है ना, वो बहुत प्यारा है। आज का मौसम जो है वो इतना प्यारा है कि आज पूरा दिन धूप है, और इंशाल्लाह हमारा जो है ना आज का डे इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुजरेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आज बारिश नहीं होगी और दिन जो है वो इंतहा ही खूबसूरत होगा। मान भाई, आर यू रेडी? या अभी क्या प्लान है? अभी नाश्ते का प्लान है या अभी प्लान है कि चाय बनाई जाए? अच्छा, या अगली जाग जलाते हैं, थोड़ी सी चाय शाय बनाते हैं। अच्छा, साथ में नाश्ता करते हैं, बिस्किट शिस्किट खाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। शाह साहब भी आ रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका भी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वालेकुम सलाम एंड गुड इवनिंग। कैसा रहा आपका, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हर चीज़ हमने कल देख ली है माशाल्लाह से। कल तो ऐसा तूफान थंडरस्टॉर्म आया हुआ था कि लग रहा था कि भाई आज ही सब कुछ उड़ जाएगा। आज की क्या प्लानिंग है? आज की प्लानिंग ये है, फिलहाल अभी हम नाश्ता वगैरह कर लें अपनी। अच्छा। चाय शाय बनाएंगे, ठीक है। अच्छा। पीते हैं, थोड़ी फ्रेश हो जाएं। हम पाकिस्तानी हैं, आपको पता है, जब चाय ना पिए आँखें नहीं खुलती। सही है सही है। फिर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। अच्छा, पूरा पड़ा हुआ अभी। अच्छा। तो एक्सप्लोर करना जितनी जगह हो सकी, इंशाल्लाह देखते हैं। स्लीपिंग सूट जहाँ भी जाते हैं, स्लीपिंग सूट साथ लेके जाते हैं? जी जी, स्लीपिंग सूट नहीं है, ये कंफर्टेबल जोन में रहते हैं ना जी। कंफर्टेबल कि स्पेशल जो सा पोलो भी होता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो था व्हाइट, लेकिन ये ब्लैक है, ठीक है। उसकी खाल को फिर इन्होंने रंगाया। इन दोनों ने मिल के ये कड़ाई की सत्यानाश मारी है। सर, आपको हम नहीं देंगे खाने के लिए। अब अच्छा, आपको एक लुकमा नहीं मिलेगा। नाश्ता चल रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह पैकअप। यहाँ पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन वाटर। यहाँ पे ये पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने को बर्तन धोने हैं या पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही ये टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं। टॉयलेट फैसिलिटीज़ में देखें, ये प्लास्टिक के टॉयलेट्स हैं, ठीक है। तो अंदर भी आप देख लें, ये इनका सिस्टम है, वो सीट लगी हुई है। यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे सोप भी लगा हुआ ऊपर, ठीक है। और जब आप अंदर आते हैं लेट्स से, तो ये अंदर इसका लॉक है, ये लॉक हो जाता है, और ये शीशा भी लगा हुआ अंदर। मज़े की बात है, इस जगह पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होना बहुत ही एक ज़बरदस्त एक चीज़ है, क्योंकि टॉयलेट एक बेसिक एक नेसेसिटी होती है कि जो कि हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है, और पानी, ये दो चीज़ें। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा एक्सपीरियंस रहा आज की कैंपिंग का। फोटोग्राफी मॉल चल रहा है,
और सारे अपने अपने इन खूबसूरत लम्हात को अपने कैमराज में सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखिए मैं भी पाकिस्तान की हवा आ रही है। वाह जी वाह, जो शेजवान है यूके में भी शेजवान पाकिस्तान का माहौल रखा हुआ है ना, देसी माहौल है। भी आए यहां पे? नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इसके बारे में मैं रीड आउट कर रहा था। ये काफी इनकी फेमस और पुरानी लेक है। यहां पे लोग फिशिंग के लिए भी आते हैं, बोटिंग भी करते हैं। आप देख सकते हैं सामने जो है ना, ये बहुत मशहूर लेक है इधर की। अच्छा आप इससे पहले भी आए? मैं 3 दफा आ चुका हूं। अच्छा ये है इसका इंट्रोडक्टरी बोर्ड और यहाँ से आगे वॉक है, गाड़ियाँ बस सिर्फ यहाँ तक आती हैं। अच्छा ये जो सा यहाँ का प्रिंस था ना, विंडमेयर का। अच्छा ठीक है, मुझे नाम नहीं उसका पता। ये जिस टाइम वो इस काउंटी में जब दाखिल हुआ था ना। अच्छा ठीक है, तो पहले आपको पता है छोटे छोटे लाइक टाउन होते थे। इस तरह इस पत्थर के ऊपर उसने पहले किस की थी अपनी वाइफ को। काफ़ी ऊपर तक आए हैं लेकिन अभी कुछ हमारे ग्रुप मेंबर्स ने अभी शूज़ नहीं पहने हुए, आई मीन दे हैव जस्ट वेयरिंग स्लीपर्स, तो अभी हमें वापस जाना पड़ेगा। मेरे ग्रुप मेंबरान हजरात फोटोग्राफी कर रहे हैं अपनी इन खूबसूरत यादों को, अपनी इन खूबसूरत इस टाइम को कैमरे की आँख में महफूज कर रहे हैं अपने और अपनी फैमिली को दिखाने के लिए। तो हमारा तो आपको पता ही है कि हम वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से एडिट करके इसको अपलोड करेंगे ताकि आप सब, हमारी फैमिली तो आप सब हैं, ठीक है। आई मीन मेरी अपनी फैमिली भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालदैन हैं, मेरे बहन भाई हैं, लेकिन उनके अलावा भी यूट्यूब फैमिली की बात कर रहा हूँ कि यू पीपल आर माय फैमिली। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो सीन्स आपको दिखा सकूँ, ब्यूटी आपको दिखा सकूं, आप भी मेरे साथ महजूज हो सकें और इन्जॉय कर सकें। जी सलमान भाई, कितने का टिकट? टिकट तो 4 पाउंड का लग रहा है मुझे, अप टू 3 आवर 4 पाउंड। जस्ट 3 आवर्स। तो बोट हायर होती है लेकिन अभी मैं और मेरे ग्रुप मेंबर्स हम जा रहे हैं इनके ऑफिस में, देखते हैं कि वहाँ पे अगर कोई अवेलेबिलिटी है। मैंने सुना है यहाँ पे एडवांस बुकिंग के लिए पहले अगर आपने एडवांस बुकिंग करवाई हो तो ही आपको बोट मिलती है, अदरवाइज यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट।
हार्ड ड्राइव टूरिस्ट प्लेस होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे बड़ा एक इंतहाई एक एक्साइटिंग एनवायरनमेंट होता है और ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे है, लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड। इसका इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें इतनी मेहनत कोशिश और जद्दोजहद के बाद भी अभी तक बोट की बोट हायर के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम है, हमें अभी तक बोट में जगह नहीं मिल रही क्योंकि जिससे भी पूछो वो कहते हैं एवरीथिंग इज होल्ड आउट। पीपल हैव अ लॉट ऑफ फन, सो हैव अ लुक। I'm back with the boys. Yes, boys. Any luck? Okay. That's very nice. That's the, at the end of the day, we have got the tickets now. We're going to be departing in about 20 minutes. अभी हमने जो टिकट्स हैं बोट के वो तो हमने परचेज कर लिए, क्रूज़ के बोट नहीं मिली हमें, सॉरी क्रूज़ के, क्योंकि हमें बोट नहीं मिली जिसकी वजह से हमें क्रूज़ के टिकट लेने पड़े हैं और वो भी हमें टॉप फ्लोर पे नहीं, वो जो क्या कहते हैं उसको, हैं फर्स्ट फ्लोर पे हमें टिकट मिले हैं और हमारा जो ग्रुप के कुछ लोग हैं वो आइसक्रीम लेने चले गए और आप क्रूज़ पे आप बैठ ही नहीं सकते विदाउट मास्क, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम वहाँ अंदर कैसे बैठेंगे हम या कैसे आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे या मास्क पहनेंगे, विच इज़ अनबिलीवेबल। हमारी रवानगी क्रूज़ की तरफ रवाना हुआ है, आपको भी दिखाते हैं, ये वो क्रूज़ है जिसमें हमें सफ़र करना है। आप यकीन मानें कि मेरा ये ओपन वाटर में पहली दफ़ा तजर्बा होगा इस तरह किसी क्रूज में बैठने का। So will I be able to go upstairs? Yeah, but just stay at the back. Don't go. अभी रिक्वेस्ट की है कि जी के मैंने वीडियो बनानी है तो मुझे टॉप पे जाने दिया जाए, तो जेंटलमैन ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया तो इस वजह से मैं ऊपर आऊँ। मैंने कहा चलें और वीडियो बना लूँ आपको दिखाऊँ कि ये टॉप फ्लोर है और इसके अलावा ये आप देखें हमें एक्चुअली टिकट ही डाउन स्टेज के मिले हैं इस वजह से हम ऊपर नहीं बैठ सकते और अभी कहीं बिक रहा हूँ दिस प्लीज डाउन स्टेज ना बच्चे उसका नाम Thank you very much. You're welcome. Thank you. तुसा ने तुसा गल ठीक करना है तुसा ने जो ले जाना बहुत सख्त है